अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये शाइनिंग लाइटनिंग सोर्ड इफेक्ट्स सीखेंगे। तो मैं इसका ट्यूटोरियल ब्रेकडाउन दूंगा क्योंकि मेरी टीवी तभी कुछ सही नहीं है, तो इस वजह से ठीक है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, हैवी मेटल सोल्ड फ्री डाउनलोड कर लें। ठीक, तो इसे डाउनलोड करने के बाद ब्लेंडर में इम्पोर्ट कर लें। ठीक, ब्लेंडर में जब आप ओपन करेंगे तो ये हैवी मेटल सोल्ड है, इस तरह की सॉर्ट होगी। ठीक, तो इसके साथ मटेरियल्स तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट में नहीं होंगे। आप ब्लूम ऑन कर लें। ठीक है, तो डिफॉल्ट में मटेरियल इसके साथ नहीं होंगे, तो मटेरियल साइन करने का ठीक है मल्टीपल डिफरेंट मटेरियल्स बना लें। ठीक है, मैंने मिशन रेड बना ली है, तो उसे ब्लू बना लिया, कोई ब्लैक ब्राउन इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो उसे जब मटेरियल साइन करने का ठीक है ये होगा कि आप जब टैब बाकी एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, तो एल दबाएंगे, स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं ठीक है सिलेक्ट होते जाएंगे। एल दबाएंगे तो ये देखेंगे सिलेक्ट हो गया है। फिर एल दबा के स्ट्रक्चर, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया था। उस तरह से आप उस एल दबा के स्ट्रक्चर जो एरिया सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक, तो उसे क्लिक करके साइन कर देंगे तो मटेरियल से साइन हो जाएगा। देखिए अब रेड हो गया, तो मैं तो ब्लू इसके लिए देना चाहूंगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स लेके फिर एक सॉर्ट को क्रिएट कर लें, सन लैम्प लगा दें, और उसके बाद जो हम लोग ना एक स्फीयर ऐड करेंगे। ठीक, तो ये स्फीयर है, तो इसके ऊपर एक मॉडिफायर होगा, डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर होगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के ऊपर एक टेक्सचर हम लोग ऑन कर देंगे, और टेक्सचर जो होगा वो होगा नॉइस टेक्सचर, और उसकी स्ट्रेंथ आप 0.5 कर दें, और जो उस एक एम्प्टी ऐड कर दें सीन के अंदर। ठीक, तो ये देखें एम्प्टी सीन में ऐड हुआ हुआ है, ये नजर तो नहीं आ रहा होगा लेकिन ये एम्प्टी सीन में ऐड हुआ हुआ है। और जो इसकी जो है टेक्सचर कोऑर्डिनेट वो चेंज करके ऑब्जेक्ट में रख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर का, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे एम्प्टी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उस तरह से फिर वो उसकी मूवमेंट काफी डायनेमिक हो जाएगी। तो अब जो इसका मटीरियल है, जो लाइटनिंग मटीरियल है, ये काफी मल्टीपर्पज भी तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन आप अभी के लिए इस तरह यूज कर, लेकिन आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट और करेंगे तो और ज्यादा डिफरेंट तरीके से भी यूज हो सकेगा। तो शेड राइटर में चले जाते हैं, शेड राइटर में हम लोग अब चले जाते हैं। तो ये देखें मटीरियल आउटपुट के साथ एक मिक्सचर लगा हुआ है, मिक्सचर के एक हिस्से में ट्रांसपेरेंट शेडर है। ठीक, और इसका ब्लेंड मोड जो है वो आपने अल्फा क्लिप करना है, शेडो मोड आपको ऑप्टिमल दिया है। तो उस मिक्सचर के साथ एक नीचे वाली साइड पे ट्रांसपेरेंट शेडर लगा हुआ है, ऊपरी साइड के ऊपर एक और मिक्सचर लगा हुआ है, और जो फैक्टर है वो कलर रैम्प, और कलर रैम्प के साथ एक नॉइस टेक्सचर है जिसके डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हुई है। और जो कलर रैम्प है उसको लीनियर के बजाय, जो आमतौर पर लीनियर होता है ना, उसे कॉन्स्टेंट कर दें और पोजिशन के हिसाब से आप रख लें। ठीक, फिर जो दूसरा मिक्सचर है उसके साथ भी कलर रैम्प रखी हुई है, लेकिन उसके साथ इस पर लीनियर सेटिंग है, वो इसका फैक्टर के अंदर सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये मैथ नोड है, असल में अप्रूव करेंगे शिफ्ट ए मैथ। ठीक, और यहाँ पे ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ दोनों साइडों पे अपने वोरोनोई टेक्सचर लगा देना है। ठीक, दोनों जगह पे वोरोनोई टेक्सचर होगा, 3D F2 मियोस्की एक्सपोनेंट 0.5 ही होगा, और रेंडमाइज भी 1 ही होगा, 1 पे होगा, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम दोनों के हर टाइम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एक वैल्यू नोट भी लगा लिया शिफ्ट एंड, बाकी आप सारे नोट सर्च कर सकते हैं आराम से। तो वैल्यू नोट जो है वो प्लग इन आप कर दे दोनों के स्केल के अंदर। ठीक, और फिर दोनों को मैपिंग नोट के साथ प्लग इन कर दे, और मैपिंग नोट के साथ टेक्सचर कोऑर्डिनेट प्लग इन कर दे, और उसके ऑब्जेक्ट साथ लग करना, जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से वही एम्प्टी होगा जो पहले हमने यूज किया था। ठीक, और जो इमिशन किया वो आप येलो रिफ्लेक्शन की लाइटिंग आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। थोड़ी ये देखिए मैं उनको दिखाता हूँ, ये येलो हो सकता है, रेड, लोग जिस तरह की भी आपको लाइटिंग अच्छी लगती है वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह करने के बाद अब वही एम्प्टी जो है आपने टेक्सचर कोऑर्डिनेट में लगा देना है। ठीक, मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो बाई चांस क्लियरली आपको नजर आ जाए, ये देखें इस तरह से आपका ये सेटअप होना चाहिए। इसके बाद 3D व्यू पर चले जाते हैं, और एम्प्टी है उसे सिलेक्ट करें। ठीक, और एम्प्टी की जो फ्रेम 0 या 1 के ऊपर उसकी रोटेशन के ऊपर आई दबा के की फ्रेम सेट कर लें, और उसके स्केल के ऊपर भी आई दबा के एक की फ्रेम सेट कर दें। फिर फ्रेम 60 या 100 या जो स्टार जितने लंबी आप एनिमेशन चाहते हैं उसके ऊपर जाएं। ठीक, तो ये देखें उसके जो सारे रोटेशन है वो मैंने चेंज की हुई है सारी XYZ के ऊपर भी, और जो स्केल है वो भी उसका चेंज हुआ है, सो मैंने स्मॉल कर लिया था। और फिर उसके बाद फ्रेम 300 के ऊपर जाके वापस मैंने, और फिर इधर के गोल की फ्रेम सेट किया वो भी आई दबा के, और फिर फ्रेम 300 के ऊपर जाके फिर से मैंने एक और की फ्रेम लगाया, वो उसके ऊपर 360 पूरी रोटेशन सी कंप्लीट हो रही है।
सारे एक्स वाई जी एक्सिस के ऊपर, और जो स्केल है वो वापस पूछे मैंने चेंज कर दिया। तो ये एम टी जो है, ये एम टी अभी डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर और जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर दोनों चीजों को एट टाइम कंट्रोल कर रहा है। और पीछे फिर एक प्लेन रखते हैं, ठीक है, उसका बेसिक सा मटेरियल लगा दें, सन लैम्प लगा दें और कैमरा सेट कर दें, ठीक है। और फिर जेड फ्रंट व्यू के ऊपर हम लोग जाके देखें तो ये देखें उसी तरह से ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एम टी के साथ साथ वो भी मूव करता जा रहा है। तो उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।